और चलती गड्डी में सोएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, चल चल गाड़ी चला। 2 बजे के अंदर अंदर पहुंच रहा है। सेठ, ऐ सेठ, क्या हुआ? सीधी तरह बैठ। हाँ, बड़ा गाप ड्राइवर है तू। मैं सो जाऊं तो तेरा क्या बिगड़ेगा? देख सर, ड्राइवर के साथ बैठकर अगर कोई सोता है तो ड्राइवर को भी नींद आती है। ओहो, कहाँ का लॉर्ड साहब है तू? जब इतना ही था तो ट्रक ड्राइवर क्यों बोला? चल चल गाड़ी चला। ओहो, बड़ा ही जीत है ये ट्रक ड्राइवर का बच्चा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, मैंने झक मारी जो आज तेरी ट्रक ले ली। बाबा जल्दी चल, 2 बजे तक अगर नहीं पहुंचा तो सब गड़बड़ेशन हो जाएगी। चल बाबा, मेरे बाप सलामत। अंदर अंदर पहुंच रहा है। ये साला कोई प्लेन है, अपनी मर्जी से पहुंचाऊंगा। अपने पे तो साला रास्ते का कुत्ता भी भौंकता है। क्या कहा? कुछ नहीं, चुपचाप बैठ सेठ, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। ओ तेरा पिछला मैं छोड़ूंगा सोनी है पिछला। क्या हुआ? पूछ रहा हूँ तेरी घड़ी में क्या बजा है? 8:40। 8 बज गए? मर गया, अपना तो टाइम हो गया। सेठ, अपना तो मारने का टाइम हो गया भाई। मारना? क्या मारना? ओए ओए, खंबा मारना। खंबा? खंबा क्या होता है? और रोटी सोटी नहीं खाएगा तू? रोटी छोटी मुझे नहीं खानी, मैं खा के चला था। और तू खा गया तो हमारा पेट भी भर गया। और जगो उत्तर साले, नीचे खाना खा ले। अरे ओ ड्राइवर के बच्चे, तू खाना खाने बैठेगा 2 बजे, तेरा बाप बन जाएगा मेरा सामान। तो मैं बात कर रहा हूं। ऐसी जल्दी है तो अपना सामान उतारो, टक ले दूसरा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जा तू खाना खा ले, जरा जल्दी आना। ठीक है, तो सही है। जोगिंदर अब पेशल माल काट भाई। ए मालिक, यार भाई जीतिया चिंता करने वाला अपना सेठ कुत्ते का पुत्र बाप की गाली देता है। साला देगा भी क्यों नहीं, अपनी अम्मा ने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, अब साला ट्रक नहीं चलाएगा तो क्या प्लेन चलाएगा? तू ऐसी जिंदगी और असली माल है ना। बिल्कुल ठीक है, छोड़ फिर। जब मैं सो रहा था तो एक्सीडेंट हो रहा था, अब तू टाइट होकर चलाएगा तब एक्सीडेंट नहीं होगा। ओ सेठ, पीने के बाद तो मैं अपने बाप का भी नहीं और अपना तो बाप भी नहीं है। सोना चाहता था ना, जा जाके सो जा। अपना फिनिश हो जाएगा तो तुम्हें मंडी तो क्या जहन्नम में भी पहुंचा दूंगा। अरे वाह, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मोटे तो जाता है नहीं। जाता हूं, तेरा पिछला छोड़ूंगा सोजिंदर। और रोटी सवेरे लाएगा? अरे तू अभी नहीं आया? हाँ ले, रख दे, बड़ी भूख लगी है। ओए, अब गोश्त है या टायर दा कोरमा? और बचने हैं? और जब मेरी अम्मा नु पता लगे तू ऐसा खाना खिलाता है तुझे जिंदा काट दे वो। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ जीता, ओ जीता, शाम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, सारे अड्डे छान मारे, जल्दी घर चल, तेरी अम्मा मर रही। मेरी अम्मा मर रही है, मेरी अम्मा मर रही है, मैं कमीना यहाँ शराब पी रहा हूँ। अच्छी है जी, मेरी अम्मा मर रही है, मेरे दुनिया में कोई नहीं। हाँ हाँ, चले जाना।
पहले मेरा सामान तो सामान लिया भाई ने। और टाइगर के बच्चे से तेरा हैरानीपन बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने पैसे दे के तक क्या ले लिया, तू हमारा नौकर है, तेरी अम्मा जाए बाहर भैया चूहे में। अगर मेरी अम्मा का कुछ हो गया ताले जिंदा लौट दूंगा। बीमार थी, मुझे पहले खबर क्यों नहीं की? जीते अच्छा हो गया तू आ गया बेटा, अब मैं नहीं बचूंगी। तेरे सिवा मेरे दुनिया में कौन है? मैं बैजी को लेके आता। नहीं बेटा नहीं, अब बैजी को लाने की जरूरत नहीं है। तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें कहनी है, बहुत जरूरी बातें कहनी है। अगर आज भी मैंने नहीं कहा तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कह रही है अम्मा, क्या हो गया तुझे? मैंने अपनी ममता के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दिन रात सड़क सड़क पर जिंदगी गुजारने वाला तख्त पैबर बना दिया। जीते तू एक बहुत बड़े माँ बाप का बेटा है, मैं तेरी कोई नहीं हूँ, तेरे घर की एक मामूली नौकरानी थी। अम्मा, अम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तू अच्छी हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अम्मा। नहीं मुझे कहने दे, तुझे बदला लेना है, अपने बाप और भाई के मौत का बदला, अपने बहन और माँ के इज्जत के लूटने का बदला। माँ, कौन से मेरे भाई बहन, कौन से मेरे माँ बाप? बेटा तेरे बाप का नाम ठाकुर दविंदर सिंह था, पुलिस का बहुत बड़ा साहब। आज से 25 साल पहले की बात है, जब भो पर डाकू के अत्याचार ने इलाके के लोगों का जीना हराम कर दिया था, और उस कमीने भोपट को खत्म कर देने वाला पुलिस का बड़ा साहब तेरा बाप और तुमका छोटा बेटा है। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन उन्होंने भोपट डाकू को पकड़ा था। सरकार से कितना इनाम मिला था उन्हें, वो सबसे कहा करते थे तू उनके लिए किस्मत लाया है। उन्होंने कसम खाई थी कि उस इलाके के सारे डाकुओं का नामो निशान मिटा देंगे, मगर एक साल बाद उस दिन तेरी पहली सालगिरह मनाई जा रही, घर में बड़ी खुशियां हो रही थी। बड़े साहब थोड़ी देर से कर लो। यस सर। क्या बात है तुम्हारे बड़े बाबा और राज तुम्हारी हमारे सल्यूट का जवाब नहीं दे रहे? शिव काका अपने सुप्रिंटेंडेंट साहब से कह दो हम उनसे नहीं बोलेंगे, हम उनसे नाराज हैं। हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, आज हमारे छोटे भैया का जन्मदिन है और फिर भी आज पापा देर से आए। बात तो सच है सर। नौ शिव चरण, बच्चों तुम्हें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, जनता के नौकर, और जनता की सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। ये भी सच है सर। सब कुछ सच है लेकिन हम ही सच नहीं। अच्छा तो आप भी बगावत पर आमादा हैं। आइए तशरीफ ले आइए नीचे। देखिए ना कितनी देर कर दी आपने। हाँ देर तो वाकई होगी उर्मला। अचानक खबर आई कि दीनापुर के जंगलात में डाकुओं की एक नई नस्ल पैदा हो गई है और उसका सरदार उसी कमीने डाकू भूपत का छोटा भाई भरत है। उसने जमालपुर के एक साहूकार को चिट्ठी लिखी है कि आज रात उसके घर पे डाका डालेगा, इसलिए मुझे सारी फोर्स वहां भेजनी पड़ी और मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं तो बस अपने मुन्ने को आशीर्वाद देने के लिए आया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कितना प्यारा चेन है, ले पहले शाबाश। अरे ले ली। तुम्हारी राइफल मेरे पास है देविंदर सिंह।
और तुम्हारे घर के सारे हथियार हमारे कब्जे में हैं। क्या देख रहे हो? मैं भरत हूँ, अपने भाई की मौत का बदला चुकाने आया हूँ। चला, इस कुत्ते को हम इतनी आसानी से नहीं मारने देंगे। तुझे तेरे पति के सामने लगाना देवेंद्र सिंह, तुम्हारा विचार हो चुका, सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। शक्ति, बंद इस कुत्ते को यहाँ। देख लिया देवेंद्र सिंह, भूपत ठाकुर की मौत का बदला किस तरह लिया जाता है। ये राइफल तुम्हारा ही है ना? पिस्तौल, अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले। नहीं देखा जाता तो आंखें बंद कर लो। अरे बाबा, देवेंद्र सिंह के तो फादर कुत्ते। नौकरानियों, छोटे बच्चों को ही पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता? चारों तरफ हमारे आदमी हैं। इस घर का कोना कोना छान मारो। देवेंद्र सिंह के खून का एक कतरा नहीं बचना चाहिए, और अगर न मिले तो इस घर को आग लगा दो। जाओ। मक्खन सिंह, ये हमारे गांव का कुत्ता है ना? इसकी वफादारी का इनाम इसके बेटे का से बचा के तुझे मैं अपने गांव भाग गई। मरने से पहले सब तुझे न बताती बेटा तो मैं चैन से मर भी नहीं सकती थी। मरने से पहले आज तुझे मैं मार डालूंगा। मैं इतने बड़े बाप का बेटा,
तूने मुझे एक अनपढ़ ट्रक ड्राइवर बना दिया, मुझसे सब कुछ छुपा के रखा तुमने। बेटा ये सब कुछ मैंने अपनी ममता के लिए किया था। अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तुझे छाती से चिपका कर सब कुछ भूल गई थी बेटा। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह गया। तू तो मेरी अम्मा है, तूने तो मुझे बचा के रखा। लेकिन हमारे खानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, मैं आज तक चुप रहा। तो अब लेना बदला, जरूर लेना बदला। तेरी माँ की यही आखिरी इच्छा थी। मुझे वचन दे कि उन लोगों से जीते। तेरी चिता की आग के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक बदला नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक उस कमीने भरत का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा मेरा बाप कौन था, मैं किस बाप का बेटा हूँ, नहीं कहूंगा। माँ, गांव में पुलिस आई है, तुझे ढूंढ रही है, शायद उस कमीने सेठ ने रपट करवा दी है। नहीं, मैं मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती, मैं भाग जाऊंगा। मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। अजीत सिंह कौन है? हजूर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया? हजूर उसकी अम्मा मर गई है ना, बेचारा अम्मा के दुख में पागल सा हो गया है। किधर गया? हजूर इधर गया है, कह रहा था मुझे बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? बदला हजूर, वो मुझसे बदला लेगा। वो कह रहा था अगर मेरी माँ मर गई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। हजूर जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा लाखों रुपए का सामान चला जाएगा। हजूर चलो। Thank you.
ये कौन सा गांव है? ये जमालपुर है। तुम्हें कहाँ जाना है? दीनापुर। भरत डाकू। अच्छा, अब समझी। भागे हुए आसामी हो, डाकुओं के दल में नाम लिखवाना है। अरे हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके रोटी खाने में क्या शर्म आती है? लगता है दिन भर गए। चलो भिकू भैया, चलते हैं, डाकू बनने चले। सुनो सुनो, मुझे गलत मत समझो, मुझे बस दीनापुर की राह बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा इतना बता दो, जहाँ बाजार किधर है? क्यों, बाजार लूटना है? कुड़िया, बड़ी देर से टांटा किया जा रही है, मेरा गुस्सा बड़ा खराब है। और मैंने रात से खाना नहीं खाया, इसलिए पूछ लिया बाजार किधर है। बोलती है बाजार लूटना है, नहीं बताना तो जाओ अपना रास्ता लो। हाँ हाँ जाते हैं, चलो भीख भैया। जाओ अजीब लोग है, हाँ पूछ ले गुनाह करता। देखो भैया, ये खाना उसे खिला दे। ओए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ले जा अपना खाना। हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम जमालपुर के नवाब हो। एक इंसान को भूखा देखकर अगर दूसरा इंसान उसे खाना खिलाना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे भिखारी समझा जाए। ये सब इंसानियत की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये रहा खाना, खाना हो तो खा नहीं तो भाड़ में जा। चल भी तो भैया। सुनो बालो, ध्यान से सुनो। अजीत सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, लंबे लंबे बाल लंबी दाढ़ी जहाँ कहीं नजर आ जाए। ये तो वही आदमी है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं होशियार करने की, पकड़ा जाने दो, कम से कम डाकू तो नहीं बनेगा। अरे तू जल्दी चल, नहीं तो दीनापुर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। चलो अरे भैया इतनी खूबसूरत दाढ़ी और बाल जब काट कर फेंकने थे तो पाल पोस कर इन्हें बढ़ाई क्यों किया था? ये लो दो रुपए। दो रुपए? अरे भैया ये लोट तो गीले हैं। वो मैं पानी पीने लगा था, बटुआ गिर गया। अच्छा चल चल बेटा, अब तेरा नंबर है, चल। दीनापुर गांव का रास्ता कौन सा है? देखो भाई मैं सरकारी काम से निकला हूँ, दूसरों को रास्ता बताने का काम मेरा थोड़ी है। यार मैं यहाँ नया आदमी हूँ, बता दो भैया। ओह देखो भाई बिल्कुल सीधे चले जाओ, नदी पार करके पहाड़ पर चढ़ जाओ, फिर नीचे उतर जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। सुनो गालो, अजीत सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, लंबे कद का नौजवान, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ भी है, जहाँ के
जमालपुर के चौकीदार को उसकी खबर पहुंचा दी जाए। खबर पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा। और ये बात भी ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने उसे किसी तरह की मदद की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। चलो कमीने मुश्किल कहीं गए। हसमो चलो साहब, मैं डाकू नहीं हूं, मैं इंसान हूं। कौन हो तुम? सामने आओ। आता हूं। जी क्या? कौन हो तुम? मैं साहब, आपके तो छाती में गोली लग गई है। हाँ, मगर बच जाऊंगा। आप जरूर बच जाएंगे।
पर साहब आपके सारे आदमी मारे गए। कमीने पुस्तिल, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक भरत हम पर हमला कर देगा। भरत साहब, ये भरत डाकू था। पाली में हमें पता चला कि वो इस इलाके के किसी जंगल में छुपा हुआ है। दीनापुर के आसपास के कई गांव में उसने अपना राज कायम कर रखा है। हम वहां पुलिस चौकी बनाने जा रहे थे ताकि उस कमीने भरत और उसके गिरोह का नामो निशान मिटा सकें। मगर हमारी बदनसीबी। हाँ साहब, ट्रक में, ट्रक में। ले लो साहब। देखो, इस हालत में मैं ट्रक नहीं चला सकता। तुम या किसी ड्राइवर का इंतजाम कर सकते हो? ड्राइवर सब मैं ड्राइवर हूँ। मैं ट्रक चला लूंगा। अच्छा, लगता है इस जंगल में तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अब तुम यहाँ आसपास के गांव में रहते हो? नहीं 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 साहब, मैं भी यही प्रतिज्ञा करके निकला हूँ कि भरत डाकू का खून पी के रहूंगा। साहब, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, आपका नौकर बनके रहूंगा। साहब, अगर मुझे पता चल जाता यही भरत डाकू है। लगता है भरत डाकू ने तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी आग लगाई है। सुनो, अगर अपने दिल की आग बुझाना चाहते हो तो जिंदगी में ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना कि उस आग में खुद जल जाओ। इंसान का इरादा अगर पक्का हो तो अक्ल से बड़े से बड़ा काम कर सकता है। साहब, साहब, देखो मुझे तुम जल्दी से मोमिनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। आप दीनापुर नहीं जाएंगे? इस वक्त तो जा नहीं पाऊंगा। मैं मुश्किल से इस ट्रक को डाकू की नजरों से बचा पाया हूं। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सारे सामान की जिम्मेदारी तुम पर होगी। ये ट्रक किसी भी हालत में डाकू के हाथ में नहीं लगना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए साहब, ये सामान और ट्रक बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ठीक हो जाएंगे साहब। आपका जितना खून गया है ना, मैं अपना खून दे दूंगा। आप नहीं जानते, पुलिस का हर साहब मेरे लिए देवता है। अच्छा, देखो ये ऑटोमेटिक मशीन गन है, इसमें से एक साथ कई गोलियां निकलती हैं। लेकिन निशाना पकाना हो ना तो ये चीज फिजूल है। तुम एक काम करो, इस बॉक्स के अंदर हैंड ग्रेनेड से संभाल के, बहुत खतरनाक चीज है। इसमें बड़ी ताकत होती है, इसे तुम अपने पास रखो। अगर रास्ते में कोई खतरा नजर आए तो तुम इसे फेंक सकोगे ना? हाँ हाँ साहब, मेरे हाथ का निशाना बहुत पक्का है। वेरी गुड, चलो आओ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अजीत। मेरा पूरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मुझे इंस्पेक्टर साहब, पानी पानी पीजिए साहब। देखो, ऐसा लगता है मैं नहीं 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 बचूंगा। मेरे वो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसा मत सोचिए साहब। सोचा था दीनापुर जाकर पुलिस चौकी कायम करूंगा, गांव के नौजवानों को पुलिस में भर्ती करके डाकुओं के खिलाफ एक फौज तैयार करूंगा। साहब साहब साहब, जवाहरपुर बाजार बहुत नजदीक है, मैं किसी डॉक्टर या बैद को लाता हूं। जी डॉक्टर साहब है? डॉक्टर बाबू शहर गए हैं दवा लेने को, दो तीन दिन में लौट आए। इस गांव में कोई बैद बैद नहीं है? नहीं भैया, और तो कोई नहीं। साहब साहब
साहब, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे ए, उनका नाम भरत ठाकुर है। भरत ठाकुर पुलिस को मार मार के भुर्दा भुर्जी बना देता, भुर्दा भुर्जी। लाओ और लाओ पुलिस। ए सोरा, सीना तार के गांव के अंदर से पुलिस की लाशें घसीट घसीट के ले गए, ले जाता है। समझे समझे है, समझे क्या है? चलो खाता। अच्छा भाई हम चलते हैं। नमस्कार सरकार। जे शराब की दुकान तुम्हारी है? जी सरकार, बात यह है कि गांव में कोई पुलिस वाला भी नहीं है और कचेरी भी नहीं है, इसलिए लाइसेंस नहीं बनवाया। अब आप आ गए हैं तो वो काम भी हो जाएगा सरकार। एक बोतल लाओ। जी सुना नहीं, एक बोतल शराब लाओ। एक बोतल तो क्या, 10 बोतल लेकर आता हूँ सरकार, कमीना कुत्ता। क्या? आपको नहीं सरकार, नौकर को बोल रहा हूँ। अबे काना, कहाँ मर गया? यही उल्लू का बट्टा मेरा नौकर है काना, खटिया के नीचे छुपा है। बदतमीज बच्चे, चलो जल्दी से कुर्सी टेबल सफा करके बाहर लेकर आ। खटिया पे कुर्सी आ रही है सरकार। हमस। ओह, मैं हाथ लगाता हूँ। बैठिए। जल्दी ला, जल्दी ला। मगर क्या तू आशंका दी ये दी दी दी। माल अच्छा है तुम्हारा? सरकार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी पिलाऊंगा आपको। कितने पैसे हुए? जी अब मैं कुछ समझा नहीं। और दारू की बोतल के पैसे कितने हुए? सरकार आप तो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने शराब पी, ऊपर मेहरबानी की, ऊपर से मैं पैसे ले लूं, मैं तो सीधा नरक में चला जाऊंगा सरकार। मैं हराम की नहीं पीता ठेकेदार। आप थानेदार होकर ऐसी बात कर रहे हैं सरकार? क्या बात है? कितने पैसे हुए? 3 रुपए सरकार। सुना? जी। जे जो आदमी मुझे देखकर भाग गया कौन थे वो? गांव वाले थे हुजूर, बड़ा ही डरपोक है, थानेदार का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। और सच्ची बात तो ये है हुजूर, ये पुलिस की पोशाक ही कुछ ऐसी है, इसे चोर उचक का भी पहन ले तो। क्या बक रहे हो? मैं तो पुलिस के पोशाक की तारीफ कर रहा था सरकार। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। जी। और अगर दोबारा तुमने पुलिस के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। जिस साला भरत डाकू इस गांव में कहाँ रहता है? आप भरत ठाकुर के बारे में पूछ रहे हैं हुजूर? हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो गांव में नहीं रहता हुजूर, और जंगल में भी कहाँ रहता है वहाँ के चरिंदे परिंदों को भी मालूम नहीं, तो हम गांव वाले क्या जाने हुजूर। और सच्ची बात तो ये हुजूर कि हम गांव वाले डर के मारे रात बिरात उसका नाम तक नहीं। साला बुजदिल। हुजूर, हुजूर माई बाप ठेकेदार, हुजूर माई बाप है जो चाहे कह ले हुजूर, लेकिन जान सबको प्यारी है तो हुजूर। अब देखिए ना, आप ही के तमाम आदमियों को मार डाला, ये तो भगवान की दया थी कि आप बच गए हुजूर। जानता है क्यों? इसलिए कि उस कुत्ते का आखिरी टेम आ गया है,
मैंने इस काम में इसलिए कदम रखा है कि मुझे उसके खून से नहाना है। मैं उसके खानदान के खून की एक बूंद भी इस जमीन पर नहीं छोड़ूंगा। बड़ा ही नेक ख्याल है हुजूर। अगर आपका इरादा पक्का ही है तो सबसे पहले वो चुड़ैल राधा को सीधा कीजिए। राधा? भरत ठाकुर की भतीजी है, जवान खूबसूरत, अपनी खूबसूरती के घमंड में जमीन पर पांव तक नहीं रखती सरकार। ठीक है, कल सुबह ही उसे भरे बाजार में नंगा करके छोड़ूंगा ताकि उस कमीने भरत को पता चल जाए कि बदला लेना वही नहीं जानता, कोई और भी जानता है। अरे सरकार, ये साला तो पगला गूंगा था, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। ये भरत डाकू का आदमी तो नहीं? नहीं सरकार, डाकू से तो इसे बड़ी नफरत है। समझ गया, राधा के खिलाफ आपने कुछ कहा था ना, उसी बात पर इसने गुस्से में आकर आप पर हमला कर दिया। सरकार, ये राधा का बड़ा प्यारा आदमी है, उसी का दिया हुआ खाता है। ये राधा वो लड़की तो नहीं जो किसी को भूखा देखे तो खाना खिलाती है और इंसानियत की बातें करती है? हाँ सरकार, वही लड़की है। पर वो तो डाकुओं से बहुत चिढ़ती है। ये भी ठीक है सरकार, इसी बात पर तो वो गांव वालों से नहीं अपने बाप के बड़े भाई भरत ठाकुर से भी नफरत करती है। क्यों? इसलिए कि उसका बाप लक्ष्मण ठाकुर अपने खानदान का लंका भेदी विभेषण था, हुजूर अपने गांव की पाठशाला में पंडिताई करता था और कमीना जब तक जिंदा रहा मुझे सर आपकी दुकान नहीं खोलने दी सरकार, और इतना घमंडी था कि मरते टाइम अपनी बेटी से कह गया चाहे भूखे मरना पड़े लेकिन अपने ताया और भाई की दी मत खाना। अगर ये सब बातें सच हैं तो फिर तुमने मुझे उस लड़की के खिलाफ क्यों भड़काया? सरकार, आप ही ने तो कहा था कि भरत ठाकुर के खानदान की। तुम किसी गंदी नाली के गंदे कीड़े हो। तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़की को मेरे हाथों बेइज्जत करवाना चाहते थे? क्या करते? साढ़े बत्तीसी निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैंने तेरे जैसे शराब के ठेकेदार बड़े देखे हैं। सरकार आप तो बड़े। तू क्या समझता मैं कोई ट्रक ड्राइवर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा सख्त किस्म का थानेदार हूँ ठेकेदार, तेरे जैसे लपाड़िए बड़े सीधे कर चुका हूँ। क्या सोच रहा है? जी मैं सोच रहा था आप थके हुए हैं इसलिए आपके आराम का क्या इंतजाम करूं। वैसे सरकार यहाँ पर पुलिस चौकी खोलने के लिए आए थे ना? इरादा अब भी पक्का है ठेकेदार? अच्छा ये बताओ, इस गांव में ऐसे और कितने घर पक्के हैं? किसी का भी नहीं है सरकार, आपके आशीर्वाद से सिर्फ मैं ही बना पाया हूँ। तो बस ठीक है, फिर मैं पुलिस चौकी जय ही बनाऊंगा। अरे सरकार, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उल्लू का पत्थर है तू, कौन कहता है धंधा बनकर? अरे तुम्हारी शराब की दुकान इस तरफ रहेगी, उधर मैं पुलिस चौकी खोलूंगा, समझा? सरकार तू नहीं समझा लेकिन मैं समझ गया। जे शराब की दुकान है जहाँ डाकू शराब पीने जरूर आते होंगे, अब तो पुलिस चौकी जय ही खुलेगी। काम होगा देखना, चला मेरे लिए रोटी सोटी का इंतजाम कर। अच्छी बात है, अभी करता हूँ सरकार, अभी करता हूँ। सुन जल्दी से जा और भरत ठाकुर को बोल दे कि थानेदार मेरी दुकान में जबरदस्ती घुस गया है और पी के दूध है। अरे ऐसे गुस्से वाले थानेदार के खिलाफ बोल के अपनी बोलती बंद करनी है क्या? अबे इसमें डरने की क्या बात है, देखता नहीं पी के दूध है? नहीं 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 नहीं, दो रुपए पकड़, सकरे मत कर, जल्दी से जा। दो रुपए इसलिए दिए, तुम ले लो, तुम ले लो। रोटी के लिए भेज, रोटी के लिए भेज रहा था सरकार, रोटी के लिए। साले रात बिरात डाकू का नाम नहीं लेते, डाकू के कुत्ता। Oh, my God.
हाथ ऊपर हाथ ऊपर। फूट गई। बने रहो सालो, इसी तरह सुबह होते ही गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि मैं डाकू के कुत्तों का क्या हाल कर रहा हूँ। सुबह होते ही मैं ठेकेदार तुझे जिंदा कर लूंगा। तो क्या हुआ साले, मैं तुझे जलाकर तेरी राख को गाड़ लूंगा। अरे शराबी थानेदार कहीं नशे में आके अपने घर को आग नहीं लगा दे रहे। जिंदा आग में जलवाएगा। अबे अगर कल सुबह तक जिंदा बच गया तो कल सुबह से तेरी नौकरी नहीं करूंगा। अब बुलाओ अपने बाप उस भरत डाकू को। हिम्मत है तो आ जाए, बैठा हूं जहां मैं। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? देखते हैं तुम्हारी हिम्मत थानेदार, चलो बाजार में। बाजार में क्यों? अच्छा तो सवेरा होते ही शराब की धुन के निकल गई। तुमने कहा नहीं था कि भरे बाजार में मुझे नंगी करोगे? लड़कियों के कैसी गंदी गाल करती हैं आप। मैं गंदी गाली दे रही हूँ? इस गांव में बहु बेटियों की इज्जत लूटने के लिए डाकुओं की कमी थी जो पुलिस में आ गई है उनका हाथ बटाने के लिए। आप खाम खा गलत समझ रही हैं मुझे। अब मुझे क्या मालूम था आप वो हैं? आप तो बड़ी अच्छी लड़की हैं। मैं तो ये भी जानते हो गांव में आकर डाकुओं की खबर लेने की बजाय लड़कियों की खबर लेने लगे। ओफो बड़ी अजीब लड़की हैं आप। उस दिन भी? उस दिन क्या? उस दिन कैसे? उस दिन रात को, कल रात की बात है। वो ठेकेदार है ना, बड़ा हरामी आदमी है, उसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया। मुझे आ गया ताव और मैं ताव में आकर बोल गया। अच्छा तो आप समझी कहाँ है वो कमीना। मैंने बांध के रखा अंदर साले को। क्या करके रखा? बांध के रखा अंदर। जय राम जी की, जय राम जी की। अबे हाथ ना एक दे। ए भीख भैया जल्दी आज है। ये थानेदार तो बड़े कमाल के निकले। अरे जाती हूँ मगर सोचते हैं जाने से पहले इस गांव के लोगों को भी बुलाकर ये तमाशा दिखाई दूं। कमीने कमा। चलिए थानेदार साहब, इस बात के लिए आप पर से मेरा सारा गुस्सा खत्म। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। चलो भीख भैया। थानेदार साहब, भीख भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्यों? ये भी भूल गए, कल रात इसने आप पर हमला किया था ना, मगर आपने तो इसे काबू में कर लिया था फिर छोड़ के दिया। अब क्या मारता बेचारे को? गूंगा तो है। गूंगा ये जन्म से नहीं था थानेदार साहब, गूंगा इसे बना दिया गया डाकुओं की मेहरबानी। डाकुओं की मेहरबानी? जी हाँ, कसूर इसका ये था, जब वो लोग इसकी जवान बीवी को जबरदस्ती उठाकर ले गए तो यहाँ से 25 मील दूर पुलिस चौकी में ये रिपोर्ट लिखवाने गया था। पुलिस ने कहा था वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भरत ठाकुर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की सजा जरूर दी। इस बेचारे की जबान काट दी गई, सिर्फ इतना ही नहीं इसका घर भी जला दिया गया और गांव वालों को भी धमकी दी गई थी अगर कोई भी इसकी मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा। तब से देखो भैया मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं,
आपको भर डाकू से डर नहीं लगता? आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं और ये नहीं जानते कि वो मेरे बाप के बड़े भाई हैं? हाँ, वो तो मुझे ठेकेदार ने बता दिया था, इसीलिए तो गुस्से में। एक बात याद रखिएगा, उनका हमारे साथ खून का रिश्ता जरूर है, मगर खून से प्यास बुझाना मेरे बापू का आदर्श नहीं था। अरे हाँ, आपकी सारी पुलिस को तो डाकुओं ने मार दिया, जब तक आपकी पुलिस नहीं आ जाती आप क्या अकेले ही उनका मुकाबला करते रहेंगे? अकेला क्यों, भगवान और मेरा मजबूत इरादा मेरे साथ है, और फिर गांव वाले भी तो मेरी मदद करेंगे। भगवान शायद आपके साथ होंगे, मगर गांव वालों की मदद बिल्कुल नहीं थाने रहता। इस गांव में मर्दों की कमी है, सारे के सारे भरत ठाकुर और राहु महाराज के पले हुए कुत्ते हैं। चलो भिक भैया, सुनिए, एक काम करिए, आप जाइए, इसको जहां रहने दीजिए। क्यों? मुझे काम है बहुत जरूरी से। अच्छा, आप समझी, ये आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि भिकू भैया की दिल की आग आज तक बुझी नहीं। अच्छा भिकू भैया, मैं जाती हूँ, मगर ख्याल रखना, पुलिस में शिकायत करने पर जबान काट दी गई थी, अब पुलिस की मदद करने जा रहे हो, कहीं गर्दनी। कुड़िया क्या? तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम राधा है ना? राधा जी, आप बहुत बोलती हैं, पहले दिन भी मैं मतलब आप सुबह से बोले जा रही हैं। जय राम जी की। थानेदार को आवाज तो लगा, रात भर बंधे बंधे बदन टूट रहा है। मेरा बदन नहीं टूट रहा है, मैं बिल्कुल आराम से हूँ। नहीं बुलाएगा तो फिर मैं ही बुलाता हूँ। थानेदार साहब, सरकार, क्यों राधा, क्या हाल है तेरा? अच्छा, तो मेरे भैया अपनी बहन का हाल पूछने गांव आए हैं, मगर भैया चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही है, क्या बात है? चाचा ने मुझे तेरे पास एक काम के लिए भेजा है। क्यों झूठ बोल रहे हो राहु महाराज, क्या ताऊ नहीं जानते कि मैं तुम लोगों का कोई काम नहीं करती? ठीक है, चाचा के लिए ना सही, अपने भैया के लिए काम तो कर सकती हो। क्या काम है? कल रात हमें खबर मिली है, एक कम बखत थानेदार दीनापुरा पहुंचा है। अच्छा, तो ये परेशानी है मेरे भैया को, लगता है रात भर नींद नहीं आई। राहु महाराज, दूसरों की जान लेना तो अपना पेशा बना लिया और अपनी मौत का इतना डर। खैर, खबर लाने की कोई जरूरत नहीं, ये बात सच है और मैं उस थानेदार से मिलकर आ रही हूँ। तेरा क्या काम था उस थानेदार से? देखो भैया, ये मेरा जाति मामला है, ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चल राघु। अच्छा राधा, चलते हैं। सुन, रघु मेरा दोस्त है। तो जाते जाते अपने दोस्त से पूछ लेना कि तुम्हारी बहन ने इसे तमाचा क्यों मारा। और सुनो राहु महाराज, आइंदा अगर राधा के घर आने की जरूरत पड़े तो ऐसा बदतमीज साथी साथ में नहीं होना चाहिए। यही वो सामान है जो मैं डाकू से बचाकर जहां लाया हूं। देख, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है ना, तुम पर भरोसा करके ये सब तुम्हें बता रहा हूं, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी के पास नहीं जानी चाहिए। शाबाश, तेरा मेरा इरादा एक है ना? हेडक्वार्टर स्पीकिंग, हेडक्वार्टर स्पीकिंग,
इंस्पेक्टर डिसोजा रेडियो पुलिस का रेडियो है खबर पहुंचाने वाली मशीन तो तुम्हारी समझ में नहीं आया इंस्पेक्टर डिसोजा इंस्पेक्टर डिसोजा बंद हो तेरी इसका क्लच खराब है ना ऐसे ही बंद होता है चल और खाना अंदर बंधे हुए अरे बीजू भैया तो गुंगा भीखू बन गया मत खोलो मत खोलो मत खोलो के बच्चे नमक हराम अभी तुझे बताता हूँ हाथ खुले अरे मत खोलो मत खोलो अरे अभी तुझे बताता हूँ तेरे बाप को तो भरत ठाकुर ने मारा था मगर तेरी मौत मेरे हाथ में है किधर है इसको बाद में देखता हूँ पहले उसको बताऊंगा कहाँ है कहाँ थानेदार का बच्चा रात भर शराब पीकर धांधल करता रहा और सुबह होते ही भाग लिया बड़ा आया भरत ठाकुर को मारने वाला अबे तुझ जैसे कई थानेदार भरत ठाकुर घोलकर पी गया है वो नमक हराम बच्चा अबे नमक हराम नमक हराम के बच्चे बोला अपने बाप को अगर असली बाप का है तो फौरन सामने आए अरे आ गया वाकई असली बाप का है अबे बोल दे भरत ठाकुर को कि हमारा साहब आ गया कहाँ से रात को आप बदतमीज किसने खोला तुम लोगों को गांव वालों ने मेरे को मुंह बंद था इसलिए मना किया लेकिन गांव वाले माने नहीं मेरी शराब पीते हैं और मेरे साथ शराब हरामी करते हैं आप बांध दीजिए सरकार वो गुंडा भीखू उसने पुलिस से कपड़े पहन लिए हाँ हाँ हमने उसे पुलिस बना दिया है तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो चलो उसकी मदद कराओ उसकी मदद कराओ चलो ठेकेदार सरकार इधर आओ आ गया ताला खोलो खोल दिया बिरजू भैया बिरजू भैया ये सब क्या हो रहा है हो रहा है मेरा सर ये बड़े बड़े बक्से में क्या जा रहा पुलिस के बक्से में दारू गोली और बंदूक के सिवा और क्या हो सकता है लेकिन पुलिस के राज मालूम करने की तुमको क्या जरूरत है चलो अपना काम करो चलो सरकार मुझे भी पुलिस बना दीजिए ना लिखना आता है हाँ लिखना आता है लेकिन हिंदी में आता है चलेगा चलेगा ऐसे लिखो अभी लिखता हूँ अभी लिखता हूँ लेकिन क्या लिखूँ क्या लिखा है दीनापुर देसी शराब की दुकान शराब की दुकान की जगह लिखो पुलिस चौकी हाँ पुलिस चौकी कोयला कोयला ठेकेदार आ गया अंदर आ गया ये मेज और कुर्सी उस कमरे में चाहिए अभी बंदोबस्त करता हूँ अबे काना काना है तुम खुद उठाना मैं खुद मैं उठाता हूँ उठा सकता हूँ क्यों है? हो गया हाँ हाँ सब हो गया कैसा हुआ साहब ठीक है ठीक है ठीक है ना साहब जा 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 के सामान उठाओ सामान 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 ओए जल्दी कर क्या ऐसा ऐसा कर रहा चल और जा कुर्सी ले जा ऊपर भी एक कमरा है सरकार
क्या डोल है साहब? सरकार आप मुझे पुलिस बना दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मेहरबानी होगी सरकार? वो राधा है ना? राधा? राधा नहीं, राधा की एक सहेली है मालती, बड़ी ही खूबसूरत है। क्या भक्त हो? फिर वो ये बात हुजूर, वो बात नहीं है, मालती का एक बाप है शंभू प्रसाद, एक नंबर का खड़ूस आदमी है। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, आप क्या कर सकते हैं हुजूर? आप कर सकते हैं। वो बूढ़ा घुसक बोलता है जब तुम कोई अच्छी नौकरी करोगे तब मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। अच्छा, तो शादी करने के लिए पुलिस बनना चाहते हो? नहीं हुजूर, ये बात नहीं है। हुजूर जरा इधर आइए, हुजूर इधर आइए। क्या हुजूर? जब मैं छोटा सा था ना, तो उस कमीने भरत ठाकुर ने मेरे बाप को गोली से मार डाला था हुजूर। मैं उस कमीने से बदला लेना चाहता हूँ, उस कमीने से बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है काना, तब तो मैं तुम्हें जरूर पुलिस बनाऊंगा। हुजूर, हुजूर। सुना, मुझे और भी पुलिस चाहिए। और पुलिस? बाहर गांव वाले हैं, उनमें तुम्हारे दोस्त मित्र भी होंगे। हाँ, सामू कालू। तुम सबसे कहो मैं सबको पुलिस बनाऊंगा। वर्दी मिलेगी, बंदूक मिलेगी। हुजूर मैं भी उनसे बोलता हूँ, अभी उनसे कहता हूँ, अभी कहता हूँ। सुनो सुनो भाइयों, सुनो, थानेदार साहब क्या बोल रहे हैं? अरे हमारे सामने एक बहुत बड़ा मौका आ गया है, तुम में से जो भी पुलिस बनना चाहता है ना थानेदार साहब, उन सबको पुलिस बना देंगे। बोलो तुम में से कौन कौन पुलिस बनना चाहता है? अबे तू पागल हो गया क्या? असली पुलिस वाले को तो भरत डाकू ने मार मार कर चकनी बना दिया। अरे फिर वही डाका। अरे तो क्या हुआ, हम लोग पुलिस बन के उन सालों डाकू को मार मार के उनका अचार बना देंगे। अरे तुझे मौत से प्यार है तो तू जाके मर, हमें तू मरवा रहे। लगता है घूमे फिरू के तरह तू भी पागल हो गया। खमोश, लगता है तुम लोग अभी तक डाकुओं के जुल्म से बचे हुए हो। तुम्हारे घर नहीं जले, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं लूटी, लेकिन इतना याद रखो अगर तुम सब लोग इसी तरह डरते रहे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो भीकू के साथ हुआ है, काना के साथ हुआ है। डाकू किसी का दोस्त नहीं, वो इंसान नहीं, शैतान है, हैवान। हाँ, बुरा माजवानी है थानेदार साहब, यहाँ उन्हीं का राज है और हमें उन्हीं का राज में रहना पड़ रहा है। हिम्मत, उनके दिन पूरा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस तुम लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं उन कुत्तों का नामो निशान। बाहर निकालो कुत्ते को, वरना तेरा घर जलाकर राख कर दूंगा। अरे अरे खोलता हूँ। ठेकेदार। नहीं खोलता हूँ। हट पीछे, हट पीछे। देखो बंदूक दे, काना ले ले बंदूक, कहीं ठेकेदार दरवाजा ना खोल दे। आ पकड़, दरवाजा खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, चलो दरवाजा खोलेगा। अरे मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। ठेकेदार, ठेकेदार, दरवाजा खोलता है कि नहीं? आराम खोर, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। ऐ बोले, वो बंदूक उठा ला, बंदूक लेने आया है। हट पीछे। साला जीत हुआ, और भी पावरफुल होगा। मुझे पुलिस बना दीजिए, मैं पुलिस बनने को तैयार हूं। सबको भर्ती।
भी मिलेगी, बंदूकें भी मिलेगी, लेकिन एक कसम खानी पड़ेगी, इस वर्दी की लाज रखनी पड़ती है। ये वर्दी शरीफों की रक्षा करती है और चोर बदमाश डाकू की दुश्मन है। सबको वर्दियां बंदूकें दे दो, पुलिस बना दीजिए ना। हाँ, तुमको तो सबसे पहले। वो कमीना कहाँ है उसकी लाश? अरे भाई कोई बता दो, उस कमीने मक्खन सिंह की लाश कहाँ है? काका मुझे बता दो। काका काका शिव काका उठो, मैं बताता हूँ। उठो उठो, आओ आओ, मैं बताता हूँ। आओ देखो, आओ आओ काका, आओ काका, ये है कमीने मक्खन सिंह की लाश। देखो तारे काका भी सिर्फ मार डाला। अब मारा शैतान थू है। आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ। तेरी लाश का चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे। भैया अंदर साहब कहाँ है? कहाँ है? आओ काका, मैं मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ। क्या बात है? आप कौन है जी? थानेदार साहब है। भगवान आपका भला करे, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। रोते रोते मेरी आंखें चली गईं। आज आपने एक बाप का कलेजा ठंडा कर दिया। भगवान करे आप हमारे बड़े साहब की तरह पुलिस में बहुत बड़े अफसर बने, बहुत बड़े अफसर बने। कौन थे आपके साहब? आपने उनका नाम नहीं सुना? उन्होंने डाकू भूपत को फांसी पे चढ़ाया था। उनका नाम था दिवेंदर सिंह। आप कौन हैं? अपने साहब का वफादार सिपाही। इसीलिए कमीने भरत ने मेरे बेटे को मार डाला। थानेदार साहब आपने नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कमीने भरत ने किस तरह बदला लिया था मेरे साहब से। मैं बोल नहीं सकता लेकिन मैं कभी भूल भी नहीं सकता। हमारी रानी माँ, राजकुमारी, बड़े बाबा, आपको मालूम है हमारे छोटे बाबा जिसकी सालगिरह थी उस दिन उसे जला कर मार। बस करो बाबा बस। हम बदला लेंगे, हम उन कुत्तों से बदला लेंगे। खामोश, गोली चलाई थी। अगर गोली चलाई थी तो वो बच कैसे गया? चाचा गांव वालों ने उसे घेर रखा था। तो सारे गांव वालों को खत्म कर देना चाहिए था। तुझे मालूम है कि हमारे चार आदमियों की जान की कीमत 40 गांव वालों के बराबर है। ठाकुर चंडी आया है। आने दो। ठाकुर साहब, राम राम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, राम राम। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, राम राम। नहीं उधर नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, इधर पाए लगे ठाकुर साहब। क्या खबर लाया है चंडी? बड़ी भयंकर खबर लाया हूँ ठाकुर साहब। ठेकेदार का घर पुलिस चौकी बन गई और सारे गांव वाले थानेदार के जय बोल रहे हैं और सबके सब गांव वाले पुलिस में भर्ती हो गए। देखा, ये थानेदार का बच्चा अब कोई नई चाल चल रहा है। अगर सारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएं, सुन तू क्यों नहीं पुलिस में भर्ती हो जाती? नहीं, नहीं, नहीं साहब, मैं आपके साथ कैसे दुश्मनी कर सकता हूँ? मैं आपके पैसे की बहुत भी। अबे उन लूके पट्टे, हमारे भी तो कुछ आदमी पुलिस में होने चाहिए कि नहीं? मालूम नहीं, वो थानेदार साहब बड़ा भयंकर चीज है। उसे मालूम हो गया तो मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे मुझे। हम भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, समझे? नहीं 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 नहीं। तुझे शंभू प्रसाद की लड़की शादी करना है कि नहीं? अब छोड़ेंगे तब ना। लेकिन राधा नहीं छोड़ेगी। उसने कहा फिर कभी मालती की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। अब तो मालती की शादी काना से ही होगी। जब तक हम जिंदा हैं, शंभू प्रसाद की लड़की की शादी सिवाय तेरे और किसी के साथ नहीं हो सकती। अगर तूने हमारी बात मान ली तो। मगर ठाकुर साहब। अगर मगर कुछ नहीं, अब तू यहां से जा, जो कुछ हम कह रहे हैं वही कर। थानेदार के पास अकेले मत जाना, दो चार गांव वालों को बहला फुसला कर साथ रखना ताकि थानेदार को शुबा न हो और गांव वालों को भी पता न चले। समझा? समझा। क्या समझा? मरना है, चाहे वो राम के हाथ से हो, चाहे वो रावण के हाथ से। नहीं नहीं, पिछाड़ो, पिछाड़ो, चलो चलो पहले चलो, पीछे पीछे चलो, दूर से देखो, दूर से देखो, चलो हटो। इतनी देर से कहाँ थी मेरी चमक? चलो आटा बाजू में। कौन बोला? किसने बोला?
अगर असली बाप का बेटा है तो सामने आ। क्यों रे कुत्ते? क्या बोला? अपनी बहन को भी इसी नाम से बुलाता है? अरे चिढ़ती क्यों है, मैंने तो प्यार से बोला था। प्यार से बोला? हाँ। था? अरे गुस्सा क्यों करता है, मैंने भी तो प्यार से मारा था। ओए ओए ओए, क्या है? क्या है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं थानेदार साहब, इस गांव में कुछ शरीफ डाकू भी बसते हैं जिन्हें बंदूक से नहीं हाथ से ठीक करना पड़ता है। खैर जाने दीजिए, आपने तो सचमुच ही चार डाकुओं को मार दिया। चार क्या, हम तो सब डाकू खत्म करके रहेंगे। तो हंसी क्या? भीखू भैया को देखकर मुझे हंसी आती है। पुलिस को देखकर तुम्हें हंसी आती है? भीखू भैया को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अभी अचानक इस अजीब पोशाक में देखकर मैं हंसू नहीं तो और क्या करूँ। पुलिस की पोशाक तुम्हें अजीब लगती है, मजाक करने आई जा? नहीं नहीं थानेदार साहब, मैं तो डाकुओं की लाशें देखने आई थी। तो लाशें देख ली ना, अब जाओ यहाँ से, हट पीछे। अरे काना भैया, तुम पुलिस बन गए? ना बाबा ना, मैं नहीं हंसूंगी। अगर मुझे पहले ही पता चलता तो मैं मालती को भी साथ में ले आती। अच्छा खाना भैया, एक बात तो बताओ, हा? कुछ पुलिस बाहर से भी आएगी या थाने जैसा भी इन्हीं बकरियों से हल चलाएंगे? अच्छा मैं जाती हूँ। अरे फिर वही बात, खून नहीं, चार डाकू मारे हैं हमारे थानेदार साहब ने। डाकू? थानेदार साहब ने? ये तो बड़ा अच्छा किया। सिपाही जी, सिपाही जी क्या है, थानेदार साहब किधर है? अंदर है। उनसे कहिए चौकीदारपुर का जमालदार आया है। चौकीदार जी मेरा मतलब है जमालपुर का चौकीदार आया है। आप आइए आइए आइए। चलिए चलिए। हुजूर क्या है? जमालपुर के चौकीदार साहब आपसे मिलने आए। आइए, डंडा है, डंडा है, डंडा है। सलाम हुजूर। सलाम हुजूर, मोमनपुर के थानेदार साहब ने मुझे भेजा है खबर लेने के लिए। क्योंकि आपकी तरफ से कोई खबर नहीं मिली इसलिए हेडक्वार्टर ने मोमनपुर तार दिया है। हाँ। और ये भी कहा है कि आपकी तार की मशीन खराब है। हाँ वो खराब है, हो गई, काम हो गई जी। मुझे मोमिनपुर इत्तला देनी है। क्या इत्तला दूं? कुछ भी दे दो, बोलो सब खैरियत है और हमने वो चार डाकू मार दिया। जी वो तो पता चला है। हजूर तार की मशीन ठीक करने वाले मिस्त्री को भेजूं? हाँ भेजो। नहीं नहीं मैं कर लूंगा, ठीक तुम जाओ, मैं कर लूंगा, कर लूंगा। सलाम सलाम। हुजूर आपने थानेदार साहब को बताया नहीं कि आपकी सारी पुलिस मारी गई? फिर वही बात। क्या तुम सिपाही हो? मैं थानेदार हूँ और सिपाहियों के थानेदार से ऐसी बातें पूछते हो? हुजूर गलती हो गई। हाथ कैसे? सलाम करो। कैसे नहीं देखा? नहीं चौकीदार साहब ने कैसे सलाम किया? ऐसे हमें कैसे सलाम करें? तू सिपाही होकर इतनी बात नहीं समझ सकता? अभी देख इतनी परेशानी की खबर, इतनी उदासी की खबर मैं हेड ऑफिस भेज देता तो लोग परेशान नहीं हो जाते? अरे हाँ हुजूर। हमें भी पुलिस बनना है। पुलिस चौकी में क्या धारणा कर रहे हो तुम लोग? नहीं साहब, नहीं साहब, हमें भी पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? हाँ। वहाँ तो भाग गए थे? नहीं नहीं भाग नहीं गया था, मैं तो अपने घर गया था सोचने के लिए। क्या सोचा तुमने? सोच लिया। क्या? मरना है। मरना है? नहीं मेरा मतलब मरना है, मरना है। डाकुओं को मारने के लिए मरना है, और जिस तरह ये चार मारे हैं ना, इसी तरह अगर हम सब हिम्मत नाल काम ले एक एक को चुन चुन के मारेंगे। और जल्दी साहब का नाम मत लीजिए, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। डरपोक क्लब पुलिस में भर्ती नहीं किए जाते, दबाव जाओ। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा साहब, मैं भी पुलिस बनूंगा। और ये लोग भी? शाबाश, लगता है इस गांव में हिम्मत वाले लोग भी रहते हैं।
हाँ देखो इन सबको वर्दियाँ दे दो, सब लोग लाइन लगाओ, शिव भैया एक बात तो बताओ, तुम भी एक दिन पुलिस में थे ना, ये कौन सा नया तरीका है गांव के तमाम बदमाश और शराबियों को पुलिस में भर्ती कर रहे हैं? क्या बात है बाबा, क्या बात है? थानेदार साहब आप मुझे इजाजत दीजिए, अंधेरा हो गया तो शायद अपने घर तक न पहुंच पाऊं। तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ूंगा, मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। चलिए ठेकेदार एक बोतल ले। अभी लाया। अबे काना। काना क्या? काना अब तुम्हारा नौकर नहीं है, वो पुलिस हो गया है, और तुम उसे सलाम करोगे? जी आओ काना। जी हुजूर सलाम कर। तुम नहीं, ठेकेदार तैनू सलाम करेगा। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? और करता है नहीं? करता हूँ। सलाम काना जी। सलाम सलाम। ये लीजिए। ठीक है चलो बाबा। सलाम साहब। सलाम। आज बड़ी खुशी की दिन है, चार डाकू भी मारे गए। मैं कहना चाहता था कि हमारे लिए भी थोड़ी सी क्या? हाँ ठेकेदार जी, आज हमारे सारे आदमियों को जीप भर के पिला दो। जी आओ, मरा क्यों जा रहा है, पैसे हम देंगे। जी चलो। मैं समझ गया कि तुम साले पुलिस क्यों बने हो। क्या समझे तू? मुफ्त की शराब पीने के लिए। हमारी माँ जी कैसी थी, मेरा मतलब आपके साहब की बीवी कैसी थी? क्या बताऊं साहब, वो तो साक्षात देवी थी, सबके लिए कितनी दया थी उनके दिल में। तुम्हारी रानी बिटिया? वो तो फूल जैसी थी, हम सब उसे राजकुमारी कहा करते थे, और हमारे बड़े बाबा कितने अच्छे थे, उसे कहा करते थे मैं बड़ा होकर पुलिस का अफसर बनूंगा, और शिव काका तुम्हें दरोगा बना दूंगा, लेकिन वो कमीना भरत का बच्चा। क्या बात है साहब, आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, कुछ और नहीं पूछेंगे? नहीं बाबा कुछ नहीं। आओ आओ चलते हैं, आओ चलो घर छोड़ दूं तुम्हें। चलिए थानेदार साहब। तुम भी उड़ा फूल मत ले, उड़ा है पियो, पियो तुम्हारे बाप का माल है। अरे अरे हाथ छोड़, हाथ छोड़। मुझे सब मालूम है, तुम लोग क्यों भाग भाग के पुलिस बने हो बताओ? सब तो बताओ क्यों पुलिस बने हो? ये देखो, वो देखिए, ये तू बता तू क्यों पुलिस बना? अरे शुशु कहता है, सुचू करता है। अबे सारे मेरे को मालूम है तो राधा के लिए पुलिस बने हैं। अरे तो क्यों पुलिस? अरे बोल पुलिस क्यों बना? अरे हमको भरत ठाकुर ने कहा पुलिस। मुझे मार
साला, हराम की मिली तो टॉप गियर लगा दिया, फुल एक्सीलेटर दबा दिया। कसम खाई थी पुलिस की वर्दी की इज्जत करेंगे, अच्छी इज्जत किया तुम लोगों ने। जी चाहता सबको जिंदा काट दूं। चलो लाइन लगाओ, जल्दी लगाओ। हाँ अब बताओ किस बात का झगड़ा था? जे कुत्तों की तरह क्यों लड़ रहे थे तुम लोग? ताना तुम आओ। चंडी नहीं 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 झूठ। चंडी चंडी क्या बोलो? हुजूर ये शराब के नशे में बोल रहा था कि भरत ठाकुर ने इसको पुलिस बनने के लिए। झूठ 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 क्या? साला डाकू का जासूस बनता है? नहीं साहब, नहीं साहब, पहले भरत ठाकुर का शराब पीता था, उसका गुलाम था, अभी आपका पिया आपका नौकर हूँ। बेईमानी नहीं करेगा। तुम सिर्फ शराब के नौकर हो कुत्ते, सब मिलके साले की वर्दी उतार लो। सबसे पहले इन चार डाकुओं की लाशों को ठिकाने लगाना है और फिर सुबह तड़के ही सबकी ट्रेनिंग होगी। देखो तुम यहीं पैरा दोगे, अब उतार लो साले की बाई। बंदूक नीचे रखो। गद्दार चल बाहर, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। देखना ठेकेदार आया सरकार, इधर आ मुर्दार। बंदूक उठाओ, बंदूक और में उठाओ। इधर भगाओ, हाँ। तो अब हम वन टू थ्री कहेंगे, तुम लोग फायर करोगे। फायर नहीं, मैं फायर कहूंगा तब तुम फायर करोगे। लेकिन फायर किस पे करोगे? उसके लिए निशाना चाहिए और निशाने के लिए नहीं। चुप आओ। नहीं नहीं आओ। बहुत डिब्बा उठाओ, डिब्बा उठाओ। इस डब्बे को वो सामने दरख्त है उसके साथ बांधो, रस्सी के साथ। रस्सी के साथ? हाँ। रस्सी किधर है? रस्सी नहीं 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 चुप, चला रस्सी, और इस रस्सी के साथ ये डब्बा उस दरख्त के साथ बांध दो। मर गए, क्या क्या करूं? चट निकल गए। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धू। चलो उसकी मदद करो, जाल दे। अच्छा चट्टी पकड़, नहीं डब्बा पकड़। पुलिस वाले हंसते नहीं, हमेशा करके रहा करो सीधे। हाँ उल्लू के पट्टे, गर्दन नखरा के छाती बाहर। हाँ रेडे? नहीं मैं आ रहा हूं। और जंप कर जा। अरे उल्लू दा पट्टे, अरे भागो 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 भागो, अरे भागो। हाँ एक एक कदम आगे आओ। हाँ रुको, अब अपनी बंदूक की नाली डब्बे की तरफ करो। रेडी वन टू थ्री फोर। लू के पट्टे हो, गधे हो, नकम्मे हो तुम लोग, एक छोटा सा डब्बा नहीं उड़ा सके, झाड़ के हजामत। तुम वहां कैसे पहुंचे? गलत बंदूक हाथ में दे दी, गोली को उधर फेंका और मुझे पीछे फेंक दिया। तुम्हें सिर्फ हंसना आता है, इसीलिए डाकू तुम पर राज करते हैं। गुस्सा क्यों होते हो थानेदार साहब? हमारे बाप दादा ने कहीं दंपुक नहीं पकड़ा। आप हमें ईशा नमाज सिखा दीजिए और फिर देखिए हमारा निशाना। सिखा दीजिए ना, सिखा दीजिए ना। हाँ हाँ सिखा दूंगा, सिखा दूंगा। एक दिन, एक दिन तो आज ही, आज ही सिखा दीजिए ना। आज 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 आज
ये ऑटोमेटिक मशीन गन है, इसमें से एक साथ कई गोलियां निकलती हैं। एक मैच तो लग ही जाएगी। हाँ, आज ही सिखाता हूँ। देखो देखो डब्बा कैसे होता है। इधर नहीं, उधर देखो। हाँ रेडी पेन टू। पहले ये बताओ गोली किसने चलाई? गोली मैंने चलाई। तुम जहां भी? जी मैं। क्यों गोली चलाई? मेरा डिब्बा था, मुझे उड़ाना था, तुमने मेरा डब्बा क्यों उड़ाया? आखिर गोली क्यों चलाई? आप हमारे गांव वालों को गाली दे रहे हैं, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैंने तो ये दिखाने के लिए गोली चलाई कि इस गांव में भी किसी का निशाना पक्का है। कहिए कैसा है मेरा निशाना? ठीका ठीका, निशाना लगाने का इतना शौक है तो कहीं और जाके लगाती। पुलिस के डिब्बे को क्यों उड़ाया? तुम जानती हो पुलिस के काम में दखल अंदाजी गैर कानूनी है। तो फिर मुझे भी पुलिस में भर्ती कर लीजिए ना। टप टप। जब एक लड़की का निशाना इतना पक्का हो सकता है तो मेरा क्यों? साड़ी एक भी नहीं फूटी। पाए से सत्तवीं तरह की साला हाथ का लगता है, ये नाल का क्यों नहीं लगता? लगेगा कैसे नहीं? सिंगल पंज वाह वाह, क्या बात है थानेदार साहब, आप गांव वालों को निकम्मा कह सकते हैं। क्या निशाना है आपका? अरे तुम क्या समझते हो मुझे बंदूक चलानी नहीं आती? उस दिन तुमने एक डब्बा क्या फोड़ दिया, समझ लिया शेर मार दिया। ये देख दर्जन की दर्जन ठक 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 करके उड़ा दी। अब पैसे भी मैंने जिंदगी में बड़ी बोतलें उड़ाई, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? मेरा किस बात का शुक्रिया? शुक्रिया बस बस शुक्रिया इसलिए कि तू बड़ी चंगी कुड़ी है, तेरा निशाना भी बिल्कुल मेरे जैसा पक्का निशाना है। जयराम जी की। माफ करना थानेदार साहब, ये जो बंदूक है ना, ऐसी बंदूक मैंने पहले कभी नहीं देखी। कौन सी बंदूक है ये? ये वो तुम्हें नहीं मालूम? हाँ। अरे तुम्हें कैसे मालूम होगा, हमारे महकमे में बड़े राज की बात है, किसी को नहीं बताते, पर तुम्हें बता देता हूँ। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन बंदूक। बाप रे, जैसी बंदूक वैसा नाम। भवानी माँ, मैंने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। अम्मा कहा करती थी राम जी ने भी तुम्हारे आशीर्वाद से रावण को जीता था, मुझे भी आशीर्वाद दो माँ। जरूर आशीर्वाद मिलेगा थानेदार साहब, आप नेक काम करने आए, भवानी मैया का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जय राम जी की। तुम आप क्या समझे राधा दीदी? मेरा पोता है राजू, बड़ा शरीर है थानेदार साहब। थानेदार साहब, आपने सारे गांव वालों को पुलिस बनाया और उन्हें बंदूक दी थी, मुझे भी एक बंदूक दीजिए ना। अरे तू बंदूक लेके क्या करेगा? मैं भी डाकू मारूंगा। शाबाश, फिर तो मैं तुझे जरूर बंदूक दूंगा। थानेदार साहब सलाम। हुजूर मैं मोमिनपुर तारगढ़ से आया हूँ, आपके लिए तार है। इनके लिए होगा? इनके नहीं हुजूर, आप ही का है। मास्टर जी कह रहे थे कि दीनापुर के थानेदार साहब के नाम जरूरी तार है। सही कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, लाओ पेंसिल। मास्टर जी ने कहा है कि अगर आपको कोई संदेशा भेजना हो तो मैं ले जा सकता हूँ। संदेश मैं भेज दूंगा, बाद में भेज दूंगा। सलाम हुजूर। हाँ सलाम हुजूर। मर गया।
सब कुशल है ना? जी जी हाँ कुशल है। मैं जाता हूँ। थानेदार साहब। नहीं बेटे, थानेदार साहब का तार आया है, परेशान। काना, इधर आओ। ओए काना। हुजूर। इस गांव में इंग्लिश कौन कौन जानता है? इंग्लिश? अंग्रेजी। अंग्रेजी पुरोहित जी जानते हैं। पुरोहित जी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, सचमुच जानते हैं हुजूर। अरे वो बात नहीं है, फिर वही बात। और कौन जानता है इस गांव में? अरे असली नाम तुम्हें भूल ही गया हुजूर, राधा जानती है। राधा? हाँ। ठीक है। जयराम जी के थानेदार साहब। पूछना तो पड़ेगा। बात क्या है थानेदार साहब? बात बात क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ए लड़की, इधर आओ। मेरा नाम राधा है। मालूम है। पहले ये बताओ, तुम गांव वालों को धोखा क्यों देती फिरती हो? क्या मतलब? सब पे रोब झाड़ती फिरती हो कि तुम्हें अंग्रेजी आती है। इसमें रोब झाड़ने की कौन सी बात है? मुझे सचमुच इंग्लिश आती है, मेरे बापू ने मुझे सिखाया। मैं नहीं मानता। अरे वाह, आपके नहीं मानने से सच क्या झूठ हो जाएगा? सबूत दे सकती हो? कैसा सबूत? इसे पढ़कर बताओ। क्या है ये? ये क्या है? इतना भी मालूम नहीं? ये तार है, तार। ओ, टेलीग्राम। हाँ, हाँ। पढ़ो। ये तो उल्टा है। उल्टा? अरे वाह, इतना तो तुम्हें मालूम है, उल्टा सीधा क्या होता है? बताओ पढ़ के। क्या अंग्रेजी आती है? वाह, पढ़ती हो ना? मैं आपकी तरह इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ। हाँ हाँ, गाँव में लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते। कंग्रेचुलेशन इन फॉर्म अबाउट डेड बॉडी। बॉडी? हाँ हाँ। इंस्पेक्टर अभिजीत सिंह जॉइनिंग यू मंडे। मंडे? जी हाँ। अब तो यकीन आ गया ना? अभी यकीन कैसे आएगा, पढ़ तो कोई भी लेगा, इसका मतलब करके बताओ। मतलब? हाँ मतलब बताओ। कंग्रा। हाँ, आपको शाबाशी दिया है। हाँ, क्यों नहीं देंगे? फिर पूछा है उन लाशों का क्या हुआ? जला दिया। जला दिया? हाँ हाँ हाँ। फिर वो थानेदार अभिजीत सिंह सोमवार आपके पास आ रहे हैं। मर गया। मर गया? क्या हुआ? वो चार डाकू मर गए, अभिजीत सिंह आ रहा है। और तुम्हें अंग्रेजी आती है? बहुत अच्छी तरह आती है। थानेदार के बच्चे अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हैं। थानेदार साहब, अपने आप को छुपाने की जितनी भी चाहे कोशिश कर लीजिए, मगर आप पकड़े गए थानेदार साहब। कैसे कैसे पकड़े? कैसे पकड़े? आप ये मालूम करने के लिए आए थे कि मुझे इंग्लिश आती है? नहीं। और नहीं तो क्या? बिल्कुल झूठ। आप ये देखने के लिए आए थे कि मेरे घर में भरत ठाकुर और राहु महाराज आते हैं? कसम नाल, ऐसी बात नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना है। और कोई भी मुझ पर इस तरह का शक करे तो मुझे बहुत दुख होगा। थानेदार साहब, थानेदार साहब, आप मेरे बारे में कुछ भी सोच लीजिए, मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। मगर आपसे मेरी एक विनती है, आप अकेले नदी किनारे घूमा मत कीजिए।
क्या हुआ साहब? गोली बोली थी। गोली गोली होगा। इधर से पिधर और पिधर से इधर टहल रहे और कह रहे हैं हुण की होगा, हुण क्या होता है, हुण क्या होता है? अरे अंग्रेजी होगा, जरा सुन दे। हुण की होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? कुछ नहीं होगा। चलो जड़ी गड्डी मुसीबत ठीक है साहब, को खेतों में से लाऊंगा। गाड़ी दीनापुर से? हाँ हाँ दीनापुर से। साहब आपके लिए दीनापुर से गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई, चलो। अच्छा मैं चलता हूं। अरे मेरा सामान मैं लेता हूं, जरूर मैं लेता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर, आप चलिए मैं सामान लेके आता हूं। ओके ओके। कितने मील है दीनापुर? 20 मील 30 मील होगा। तुम्हारे डिसूजा साहब कैसे हैं? डिसूजा साहब ठीक साहब, एकदम ठीक ठाक है। क्या कहते हैं वो, भारत डाकू को खत्म कर पाएंगे कि नहीं? हाँ जी, वो तो दिन रात यही सपने देखते हैं। कल तो भवानी के मंदिर में जाके साहब ने प्रार्थना भी की थी। क्या? हाँ जी, भवानी मैया के मंदिर में डिसूजा साहब? हाँ जी। क्या वक्त है? मैं कुछ गलत बोल गया? गाड़ी रखो। ये बात है। आप बात कुछ भी, आप बंदूक फेंक दीजिए। अब घूमिए। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? घूमिए घूमिए। किधर घूमूं? पुलिस चौकी घूमिए। तुम्हारे नीचे एक छोटी वाली चल गई, चलिए घूमिए। तुम सब आगे चलो। चलिए साहब। चलिए चलिए। ओ ओ ओ काना हुजूर, वो सामने वाला दरवाजा खोलो। अच्छा जी। चलिए साहब। अंदर अंदर चलिए, अंदर। हरी चलिए, हरी चलिए, अंदर। बंद कर लो दरवाजा, बंद कर लो दरवाजा, बंद कर लो। खोलो एक ताला। अरे क्या बात है हुजूर? कोई बात नहीं, बात है, बात है। हरी बताता हूँ, ये पुलिस का बहुत बड़ा अफसर है। हाँ मुझसे भी बहुत बड़ा। हाँ ये पता क्या हुआ? हाँ पीछे डाकुओं के साथ जो पुलिस की लड़ाई हुई ना, हाँ उसमें इसका बेटा मारा गया। बेटा नहीं, इसका भाई था जवान, वो मारा गया। अरे रे रे, अब से बेचारा पागल हो गया। पागल? मुझे भी नहीं पहचानता अब तो। ताला 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 लगा दे। मैं लगाऊं? चल अजीत, चल। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
आपके कमरे के पास कोई नहीं जाना, नहीं बुलाए तो भी नहीं जाना, अजी नहीं पूछे तो कोई जवाब नहीं देना। जब भी वो मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नजर मेरी पहचानी हुई है। जब वो मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये आवाज भी सुनी हुई है, मगर समझ में नहीं आता मैं उनसे मिली कहाँ। मैं जानती हूँ उनसे कहाँ मिली थी, बताओ। बता। तू मिली थी उनसे गए जन्म में, और तेरी ये जान पहचान जन्म जन्म की है। अरे राधा, हमारे थानेदार साहब ने तो तेरे कान्हा भैया से भी बड़ी कसम खाई है। तुझे भी तो वीरपति मिल रहा है, तो जाती है कि नहीं? जाती हूँ, जाती हूँ। अब तो तुझे अकेले ही रहना चाहिए, सोचना जो है। घर से मेरे दिल में अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूँ, मैं शर्म शर्म से जरा काम न ले, मैं शर्माती फिरूँ। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गाँव में, गाँव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से मेरे दिल में अब दिल से दिल से निकल के तेरे सामने खड़ा हूँ रानी। ये खुशी का गीत तू मेरे लिए गा रही थी ना? तो तेरे बाप के लिए गा रही थी। इसीलिए तो तुझसे मरता हूँ राधा। एक बात पूछूं? हाँ पूछ 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 पूछ। गांव के अच्छे अच्छे लोग डाकुओं के हाथ से मरते हैं, मगर कमीने तेरे जैसे लफंगे पर उनकी नजर क्यों नहीं पड़ती?
अब मैं किसी से नहीं डरता, ना तेरे ताया भरत ठाकुर से, ना तुझसे। देखती नहीं, मैं पुलिस बन गया हूँ। अच्छा, अरे पुलिस के लिए डाकुओं से नहीं डरना, ये हिम्मत की बात है। लेकिन क्या पुलिस के वर्दी पहनने से गांव की लड़कियों को छेड़ने का भी हक मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। आज मैं तुझे भी सीधा कर दूंगा। देख, भला चाहता तो भाग गया यहाँ से, नहीं तो ऐसी मार मारूंगी कि बाप का नाम भी याद नहीं रहेगा। अरे राधा रानी, अब तो तेरे नाम के सिवाय कोई दूसरा नाम हमको याद ही नहीं आता। आज मैं उसे भी भुला देती हूँ। पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाना गैर कानूनी होता है। थानेदार सबको मालूम पड़ गया, तुझे भी अंदर कर देंगे। थानेदार बाप के पास ले जाते हैं तुझे। नहीं नहीं नहीं, अरे थानेदार साहब बचाओ मेरे को। आंटी, आप पुलिस पे हाथ उठाना गैर कानूनी है। हाँ मैं जानती हूँ, पहले अपनी पुलिस से तो पूछिए इसने किया क्या है। चुवाए, क्या किया तूने? अब वे क्यों है बोलता तूने? मैं तो तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मैं तो ये पूछने आई हूँ कि गांव के लुच्चे लफंगों को पुलिस की वर्दी इसलिए पहनाई गई है कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें। क्या? हाँ, और ये कहता है अब मैं पुलिस बन गया हूँ, जो जी मैं आया करूंगा। क्या ये सच है जो कुड़ी कह रही है? मेरा नाम राधा है। कुड़ी हो जा राधा, राधा हो जा कुड़ी, किसी को छेड़ने का हक नहीं। पुलिस की वर्दी पहनकर ऐसी गंदी हरकतें करते हो तो चोर बदमाश और डाकू करते हैं। बात क्या है कि आपका तो फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखो बदरे साहब, उतार लो साले की वर्दी। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं तो मेरी, ठहरो, देखो साले को क्या सजा देते हैं। नहीं मुझे नहीं देखना है, ये लो भीख भैया जयराम जी की। ओए उतारो इसकी वर्दी और तीन दिन तक नहीं देना। मुझे सात दिन हो गए, वर्दी पहन लो। नहीं 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 नहीं, वर्दी तो क्या, अगर दोबारा मेरे सामने आया तो जिंदा गाड़ दूंगा साले, चल जा। नहीं नहीं, आप मुझे जिंदा गाड़े या मार के गाड़े, मुझे तो अभी के हाथ से मर रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मेरे मुझसे सब कुछ निकल गया, वो मुझे बड़ी बेदर्दी से मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। ठीक है ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन वर्दी वर्दी नहीं मिलेगी, समझे? नहीं नहीं है। इससे पहले भी मैंने ये कहानी आपको कितनी बार सुनाई, आप हर रोज यही कहानी सुनना चाहते हैं? क्या बात है हुजूर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं शिव काका। शिव काका, आपने मुझे शिव काका कहा तो क्या हुआ? तुम उससे उम्र में बड़े हो, और फिर तुमने ये भी तो बताया कि बड़े साहब के बच्चे भी तुम्हें शिव काका कहा करते थे। आशे आशे मैं भी तुम्हें शिव काका कहूंगा। अच्छा हुजूर, हुजूर बहुत दिनों से मेरे मन में ख्याल आता है, आपको बताऊं? हाँ बताओ ना शिव काका। मैंने बतलाया था ना, जब डाकू ने घर में आग लगा दी तो छोटे बाबा नौकरानी के साथ घर ही में रह गए थे। सब कहते थे वो चलकर मर गए, मेरा दिल गवाह ही देता है मेरे छोटे बाबा जिंदा है, आज भी वो कहीं ना कहीं जरूर जिंदा है। मेरे छोटे बाबा में बड़े हुजूर का खून है, जब उन्हें इन सब बातों का पता चलेगा तो वो जरूर बदला लेंगे। वो बदला जरूर लेगा शिव काका, जरूर लेगा। अगर वो बदला नहीं ले सका तो वो बुजदिल है, कायर है, उसमें उस बहादुर बाप का खून नहीं है, उसे उसका बेटा कहलाने का कोई हक नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं हुजूर, आप बराबर पूछा करते हैं ना, मेरे बड़े हुजूर कैसे थे, घर के सब लोग कैसे थे, तो मेरे पास उन सब का एक फोटो है। फोटो है? कहाँ है वो फोटो? मेरे घर में हुजूर, उसमें उसमें हुजूर मैं भी हूँ। चलो सब का काम, फोटो मैं देखूंगा। आप मेरे घर चलेंगे? मैं चलता हूँ, मैं वो फोटो देखूंगा। अच्छा चलो। ये है हुजूर, ये है। और हुजूर ये जो है ना, ये हमारे बड़े हुजूर, उनकी बगल में जो बैठी है वो रानी माँ, रानी माँ की गोद में वो हमारे छोटे बाबा। शिव काका,
ये फोटो मुझे दे दो। ये फोटो आप ले जाएंगे? ठीक है, मैंदाओं में तो देख भी नहीं पाता, मगर हुजूर, बड़े हुजूर की मेरे पास कोई निशानी नहीं। इसे संभाल कर रखिएगा, इसे संभाल कर रखिएगा। मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। सुना, अभी भी कहता हूं छोड़ दो मुझे। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उसके नतीजा अच्छा नहीं होगा। राम राम सर। राम राम। ये क्या ले है? ये है वो क्या फेल? अरे हाँ, और ये है गोल्टू बम फटाके, जिसे वो लोग चार आदमी मारे थे। अच्छा। हाँ, वो लोग शराब पी के बेहोश हो गए, इस मौके में हम सब चुरा के लाए। तू पुलिस की वर्दी में क्यों नहीं आया? ठाकुर साहब, वो इसीलिए कि अपना ही आदमी गलती से अगर मुझे ही गोली मार देते तो। अब तू बहुत समझदार हो गया है। ठाकुर साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसी तरह एक एक करके सारे हथियार चुरा के लाऊंगा। इसे यहाँ छोड़ जाऊं? नहीं, हम सिर्फ ये दो रख लेते हैं, बाकी तू अपने साथ ले जाना, वरना उन लोगों को तेरे मुतालिक शुबा हो जाएगा। अच्छा ये बता, तेरा थानेदार शराब पीता है? अरे वो तो बहुत पीता है और सबको पिलाता है। अरे वो आदमी दिलदार आदमी, वो आदमी हराम की शराब मिलती है तो बड़ा दिलदार हो गया। जी नहीं, वो बहुत कमीना आदमी है, बहुत कमीना आदमी। चंदे इधर आ। हुजूर, ये कपड़े में लिपटी हुई बंदूक, और ये जरूर डाकू के पास गया था। हुजूर, तेरा बंदोबस्त मैं करता हूँ। चल अंदर, अंदर चल। राज, रोटी तैयार है? तैयार। देखो, आपको रोटी दे दो। बोल क्या खबर लाया? आप जैसा कहा वैसे ही किया हो। ये चार गोल्टू में से दो गोल्टू वो लोग रख लिया। ये सैलून है तो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं साहब, कल अमाउंस का रात है, आपको और सबको शराब पिलाकर बेहोश कर देने के लिए कहा, और वो लोग नदी के उस पर इंतजार करेंगे। जब मैं बत्ती का इशारा करूंगा, वो लोग गांव पे हमला कर देंगे। क्या बात है? फिर वही बात हुजूर, भीकू खाना लेकर गया था, लेकिन वो पागल साहब ने गुस्से में सब खाना फेंक दिया, और अंग्रेजी में कुछ गाली बोल रहे साहब। वो ठीक है, दूसरी रोटी तैयार करवाओ, मैं साहब को रोटी खिलाऊंगा। अच्छा, चलो जाओ। चल चल चल। साहब बात चंडी, कमाल कर दिया तूने। नमस्ते साहब जी। क्या है जी? यू डार्टी डॉग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? साहब इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में बात कीजिए ना, इंग्लिश मुझे आती नहीं। इंग्लिश नहीं आती? बदमाशियों में दिमाग चलता है, कमीने डाकू। साहब जो जी चाहे गाली दे दीजिए, पर मुझे डाकू मत कहिए, मैं डाकू नहीं हूँ। डाकू नहीं तो ये कपड़े कहाँ से आए? हमारे सारे आदमी कहाँ है? साहब आपके सारे आदमियों को डाकुओं ने मार दिया। हाँ, मैं छुपकर अपनी आंखों से देखा है, और दूसरे साहब को भी गोली लग गई थी। मैं डॉक्टर को लेने गया, मेरे वापस आने तक उनका देहांत हो गया था। डिसूजा इज डेड। साहब जब वो मरे पड़े थे ना, उनके पास एक किताब भी थी, शायद इसमें कुछ लिखा हो। तुम कौन हो? ये तो मैं नहीं बता सकता साहब, मैंने कसम खाई है जब तक भरत डाकू को खत्म नहीं कर लूंगा किसी से नहीं कहूंगा मैं कौन हूँ। ये लोग कौन हैं? ये इस गांव के भोले वाले लोग हैं साहब, और मैंने इनको पुलिस बना दिया। पुलिस बना दिया? ये कोई बच्चों का खेल है? देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, तुम जो कुछ कर रहे हो सब गैर कानूनी है। मैं जानता हूँ साहब, पर इसके सिवा हमारे पास कोई तरीका भी तो नहीं, मैं आपको खुद छोड़ दूंगा। साहब आप हमारी मदद कीजिए ना, हमें ट्रेनिंग दीजिए, हम अपनी जान लड़ा देंगे। कल हम वापस है, डाकू इस गांव पर हमला करने वाले हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए हमें। What nonsense! तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? जाओ जल्दी से मोमिनपुर पुलिस स्टेशन में खबर दो और मुझे फौरन छोड़ दो। ठीक है साहब,
आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जहां हमने चार डाकू मारे हैं बाकियों से भी निपट लेंगे। साहब मेहरबानी करके खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, खा लीजिए। ये तो पागल है। साहब भीकू कह रहा है कि डाकू इस पुल के रास्ते ही गांव में आते हैं। इस गांव में आने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं। देख लेंगे, देख लेंगे। आओ जल्दी चल, चल। यहीं रुकेंगे और तुम लोग होशियारी के साथ गांव में जाओगे। मशालें सिर्फ दीनापुर को जलाने के लिए ही जलेंगी और हो सके तो उस कुत्ते थानेदार को जिंदा पकड़कर हमारे सामने लाओ। जाओ हट पीछे। गांव वाले नहीं है, डाकू है, चार डाकू जिंदा पकड़ के लाया हूँ। डाकू? आप साथ देते तो सबको पकड़ के लाता, आपने तो हमारा साथ ही नहीं दिया। चलो भाइयों शुरू हो जाओ। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। अरे तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। हाँ साहब आपके आशीर्वाद से चार डाकू पकड़ लिए। देखो मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। साहब लेकिन तुम्हें सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, हाँ साहब। फिक्र मत करो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। सुनो साहब क्या कह रहे। अरे सुनो 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 सुनो, पहले मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो। हाँ, हाँ साहब अभी निकालता हूँ, बाहर निकालता हूँ। ये धोखा हमारे साथ चंडी ने किया है, यहाँ आकर चापलूसी करता है और अंदर से पुलिस का कुत्ता बना हुआ है। आप हुक्म दीजिए ठाकुर तो उस साले को कुत्ते की मौत मारकर उसकी लाश घसीट कर यहाँ ले आऊं। नहीं रघु,
हमने चंडी को वचन दिया है कि हम उसका ब्याह मालती के साथ रचाएंगे। अगर वो लोग हमसे चाल चल रहे हैं तो हम भी उनसे चाल चलेंगे। फिर उसके बाद चंडी के सर पर सेहरा बांधा जाएगा। तुम सबको कायदे और कानून के हिसाब से ही चलना होगा। हाँ, कायदे कानून से चलना होगा। हाँ, और ये शराब की बोतलें और ये शराब की दुकान यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी? हाँ, नहीं रहेगी। पुलिस चौकी, पुलिस चौकी रहनी चाहिए। हाँ, चौकी रहनी चाहिए। तुम बाहर आओ जी। थानेदार के सामने ऐसी गुस्ताखी करते? तुम एक काम करो, सब बोतलें छुपा दो। हाँ, छुपा फेंक दो। सच कहती हूँ, ऐसा ना समझ आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उनके दिमाग में तो खून खराबा और डाकुओं के सिवा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये बात तू उन्हें खुद क्यों नहीं समझाती? क्या समझाऊं? यही जो तू उन्हें समझाना चाहती है। उनसे कहना, देखो जी, तुम मुझसे जब भी मिलो मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना पति देव बनाना चाह रही हूँ। ए बिच्छू, तू यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ रहा हूँ। देखा, अब ये थानेदार साहब का बिच्छू सीधा भाग कर जाएगा और उन्हें सब कुछ बता देगा। चलो, अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें समझाने का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। वो खुद ब खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। चल, हट, देर हो रही है। ए, राधा, 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 राजू ने जो कहा वो सच है ना? ऐसा बोली ना। क्या क्या ये सच है कि तुम उससे प्यार करती हो? आप जाइए यहां से। मैं तुम एक बार कह दो, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? कह दो ना, कह दो, बस एक बार अपनी जवान से कह दो राधा। हाँ, कह दो। हाँ हाँ बाबा, अब जाइए ना। हाय रब्बा। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी बात न जाना के 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 ओ मैनु प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनु प्यार कर दी है, हाय हाय हाय, साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पिंक के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के 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 ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते मरती है। है।
मैं नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। के घूंघट में मुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। मैं जट यमला पगला दीवाना। Oh
मान चुपचाप तमाशा देख तू तेरे सदके मेरी जान ये बात नहीं वो जानते मेरे दुश्मन तेरे वीर जो मार सके मुझे सोनिए नहीं बना अभी वो तीर राहुल महाराज प्रणाम कहिए आपकी क्या सेवा करूं अरे लिए बड़े ठाकुर का पैगाम लाया हूं ये आज ही रात तुम्हारी बेटी की शादी करानी है हाँ चंडी के साथ ये क्या कह रहे हो महाराज वो तो शराबी है शराबी और मेरी बेटी की शादी तो शान अरे अगर इसकी तामील ना हुई तो मैं तेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा और तेरे घर को जलाकर राख कर दूंगा समझा बापू ये बच्ची सारी मुसीबत का कारण तू ही है बापू तूने मुझे कहीं का नहीं रखा कहीं का नहीं रखा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट क्या करता क्या करता क्या करता आज इसकी शादी करानी शादी किसके साथ तेरी होने वाली जरुआ के साथ नहीं वो मेरी बहन है उससे शादी नहीं करूंगा अरे चुप उससे शादी तो तेरा बाप भी करेगा ये भरत ठाकुर का हुक्म है हुजूर अगर आज ये शादी नहीं हुई तो वो लोग हमारा घर जलाकर खाक कर देंगे कैसे खाक कर देगा हम पुलिस किस लिए हैं एक डाकू के डर से अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे तो क्या करें हुजूर गरीब आदमी है आप घबराइए नहीं घर जाइए अजीत आज रात हम इनका गांव घेर रखेंगे देखते हैं डाकुओं की हिम्मत कैसे पड़ती है साहब साहब लगता है लोगों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ हैं हम लोग वहाँ खड़े थे हमने दूर से घोड़ों के जाने की आवाजें सुनी शायद वो लोग डर के भाग गए साहब साहब मुझे कुछ शक है हम चंडी को उधर छोड़कर आए हैं ना चलो एक बार देख कर आते हैं तुम लोग यहीं रहना होशियार रहना जी साहब चंडे चंडे ओ चंडी चंडी ओ चंडी 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 देखा साहब तेरा सब ठीक निकला ना इसकी जान मेरी वजह से गई है चंडी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं मैं मैंने मारा इसको कमीने लोग हमारे साथ चाल चल गए हिम्मत ना हारो बड़े काम के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है अब हमें यह देखना है वो लोग आगे क्या करते हैं शमशान में था काना चंडी की मौत ने मुझे पागल बना दिया है साहब आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए मुझे मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है इंद्रजीत
इंद्रजी, पागल हो गए क्या? आज हम उनकी चाल से मार खा गए, अब हम अपनी चाल से उनको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आओ सोचते हैं, आओ मेरे साथ। आओ। राधा बेटिया, आज हमारी राधा बिटिया को अपने ताया की याद कैसे आ गई? अपने बाप के बड़े भाई के कर्मों से सर झुक गया। मालती मेरी सहेली है, वो आपकी बेटी के बराबर है। वो हमारी बेटी के बराबर है, लेकिन तुम तो हमारी बेटी हो और बेटी होकर दुश्मनों से गले मिल रही हो। राधा, हमने आज तक तुम्हारी बहुत सी नादानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब बहुत हो चुका। आज से तुम हमारे पास रहोगी। क्या मतलब? भरत ठाकुर और राहू से तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन हमारे इन आदमियों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा इलाज ये लोग करेंगे। ताया, आज पता चला कि एक डाकू बाप और इंसान बाप में क्या फर्क होता है। जो एक बाप होकर ऐसी कमीनी बात अपनी जबान पर ला सके। रघु, राधा को अपनी सहेली के पास पहुँचा दो। खबरदार, हाथ नहीं लगाना। कहाँ चलना? चल। देखा कितनी बहादुर है हमारी बेटी, ऐसी चीजें बच्चों के हाथों में नहीं होती है। ले जाओ इसे, जाओ। चल। मालती, मेरे बापू। नहीं, रो मत मालती, रो मत। बताओ, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे बचा लो, ठाकुर साहब आए, डाकू जी, मुझे बचा लो, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरे गिरफ्तारी का नाम है 500 रुपया, देखो बचा लो, पीछे लिखा है 500 रुपया। अरे हाँ ठाकुर, ये इश्तेहार तो मैंने मोहनपुर बाजार में देखा था। क्या क्या था तूने? ओ डाकू जी, मैंने 4 पुलिस गोली से उड़ा दिए थे। बंदूक चलाना जानते हो? हाँ जी, एक बार बंदूक मेरे हाथ में तो देखे, देखो। ठाकुर, ठाकुर, पुलिस बाहर से गोली चला रही है। ये पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। नहीं, उस कमीने को पता चल गया है कि उसके दिल की मैना हमारे पिंजरे में कैद है, इसलिए वो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ ठहरो, हम आगे बढ़कर उसका मुकाबला करते हैं। राहु, रघु, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। ठाकुर, ये आदमी नया है, मैं भी यहीं ठहर जाऊं? ठीक है, तुम भी यहाँ ठहर जाओ। भगवान करे आज तुम वापस ही ना आओ भरत ठाकुर। तू बड़े डाकू जी की नमक हरामी करता है। चुप्पे, नमक हरामी का बच्चा। तू डाकू बने आया, भाषण देने आया? डाकू बने आया। अबे सुन, तू किसी चीज का शौक पानी रखता है बे? क्या दारू? दारू? दारू नहीं लड़की। कितने है? और कितने है? कितने है? कितने? एक नहीं, दो दो। तू? हाँ जी, मैं। आखिर तू यहाँ पहुँच गया? हाँ जी, पहुँच गया। क्या तू इसे पहले से जानता है क्या? हाँ, बड़ी चंगी तरह जानता हूँ जी। जब मैं पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा था, तो जब बैलगाड़ी में जा रही थी, उसने रोटी खिलाई थी मुझे। और रोटी का ये बदला दे रहा है ना मैं घर? और रोटी में नमक ही नहीं था जी। बातों में बखत जाए मत कर, ले जाए इसे। ले जा, चल कुड़िया। चल। नहीं, इसे। उसे चल, तू ही सही। आजा, आजा। छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। छोड़, मैं थानेदार हूँ। मुझे
हुए। कमीने, तू भी आ गया? कौन है तू? पेट्रोल फिनिश। तुम दोनों इस रास्ते से गांव पहुंच जाओ। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं राधा, आज मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, जो अपनी जान दे दूंगा। नहीं, मरना है तो साथ में मरेंगे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। माते तो चली जा, तुम लोग भी जाओ। जाना राधा, तुम भी जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। उसे खून का आखिरी कतरा हूं भरत, जिसे तू मिटा देना चाहता था। नहीं,
कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह, कांग्रेचुलेशन। आखिर आप लोगों ने भरत ऑपरेशन कंप्लीट कर ही लिया। यस सर। गुड। मिस्टर जसूसा कहाँ है, उन्हें भी बुलाइए, मैं उन्हें भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मिस्टर जसूसा अब इस दुनिया में नहीं। यस सर, इस गांव में आने से पहले ही मिस्टर डिसूजा और उनकी सारी पुलिस फोर्स डाकुओं के हाथों मारी जा चुकी है। क्या कह रहे हो? फिर ये ऑपरेशन? मिस्टर डिसूजा के नाम पर एक अजनबी नौजवान ने ये सब कुछ किया है। बट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। मैं सच कह रहा हूँ सर, ये पुलिस फोर्स जो आपके सामने खड़ी है ये भी हमारी नहीं। क्या बच्चों की तरह बात कर रहे हैं आप? डोंट यू नो दिस इज एब्सोल्युटली इललीगल? मैं जानता हूँ सर, मगर इन लोगों ने रोटी और नौकरी के खातिर ये काम नहीं किया। ये सभी डाकुओं के जुल्म के शिकार थे। मैं आज उस अजनबी नौजवान को नहीं जानता, मगर इनके इरादे, इनकी हिम्मत देखकर मैंने इनका साथ दिया। अगर मेरा गुनाह है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है वो नौजवान? मैं अभी बुलाता हूँ सर। इंद्रजीत बाहर आओ, सब तुम्हें बुला रहे हैं। कौन हो तुम? मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साहब आप बड़े अफसर हैं ना, आपने तो मुझे बगैर दाढ़ी के भी पहचान लिया। पर साहब आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। जब मुझे पता चला ना, मेरे भाई को मार दिया, मेरी बहन की इज्जत लूट ली, मेरे खानदान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, मेरी माँ, मेरा बाप, उन्हें सबको खत्म कर दिया साहब। मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ वही सूरत, वही हिम्मत, तुम देवेंद्र सिंह के छोटे बेटे हो जिसे हम बरसों तक तलाश करते रहे। हाँ साहब मैं ही हूँ वो बदनसीब। बेटा तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। जानते हो तुम्हारे पिताजी सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं थे, वो मुझे अपने भाई से भी ज्यादा अजीज थे। कौन हैं आप? कौन? शिक्षण। ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप? कौन हैं आप? ताज्जुब है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अंधा हूं। शिक्षण मैं हूं अजीमुल्ला। अजीमुल्ला साहेब कहाँ है मेरे छोटे बाबा? कहाँ है? ये छोटे बाबा, तुम मेरे छोटे बाबा? हाँ हाँ सिर्फ काका, मैं हूँ। अरे छोटे बाबा तुमने मुझे बहुत तड़पाया। मुबारक हो। दिनापुर में पुलिस चौकी नहीं, तुमने यहां पहली पुलिस चौकी की बुनियाद रखी। हमारे महकमे की तरफ से कानूनी तौर पर इसे मैं कायम कर रहा हूं और इसके पहले ऑफिसर इंचार्ज तुम हो। मिस्टर सिंह। यस सर। वो कहां है? हमारा मतलब हमारी वो बेटी? वो यही है सर। राधा साहब तुम्हें बुला रहे हैं, आओ। नमस्ते। खुश रहो बेटी, तुमने जो कुछ भी किया उसके सिले में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कीमती इनाम नहीं जो तुम्हें देने के लायक हो। लेकिन यहां आकर मेरे मरहूम दोस्त देवेंद्र सिंह की खोई हुई दौलत मुझे मिल गई, और यह दौलत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। आज से इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। अल्लाह ताला तुम दोनों की जिंदगी मसरतों से भर दे। खुदा हाफिज़।